हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दिवाली आने वाली है तो आज मैं आपके साथ दिवाली लुक शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे मैंने वेयर किया है ग्रे कलर की साड़ी। मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने स्किन केयर किया है और मैंने यहाँ पर यूज़ किया कॉस्मोस का सीरम है ये। तो फ्यू ड्रॉप्स मैं लूँगी अपने फेस पर और इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर लगाऊँगी। नेक्स्ट मैं प्राइमर अपने फेस पे लगाऊंगी। मॉइस्चराइजर सीरम के बाद फेस पे प्राइमर लगाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर यूज़ किया है। मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है बिकॉज मेरी जो कि ऑयली स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है गाइज, ये प्राइमर ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिएगा। ओके, सो इसका मैंने जिक्र किया है अपने थर्सडे सीरीज़ में, जो मैंने टॉप 5 वाले प्रोडक्ट जिसमें मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्राउज फिल करूँगी, स्टार्टिंग टू माय ब्राउज। और ये म्यूज़िक फ्लावर का मैं ब्राउज जेल यूज़ कर रही हूँ। ये ऐसा कलर है कि बहुत ही नेचुरल लुक देता है, आपकी ब्राउज बहुत ही नेचुरल लगेंगी इसको यूज़ करने बाद। और यहाँ पर रॉन्जल कॉस्मेटिक का मैं आपके साथ लिक्विड कंसीलर शेयर करी, इसे मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था, ये न्यू लॉन्च है। मैंने 3 शेड मंगाए थे, 01, 02, 03। तो मैंने यहाँ पर 03 यूज़ किया है अपनी ब्राउज को नीट एंड क्लीन करने के लिए और आईज बेस के लिए। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का काजल लिया है क्योंकि मैं अपनी साड़ी से रिलेटेड एक आईज लुक क्रिएट करना चाह रही हूँ, जो कि ग्रे कलर की साड़ी है और मुझे ग्रे कलर की आईज चाहिए, तो जो कि एक आईज बेस होना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का काजल यूज़ किया है एक आईज बेस के लिए। और मैंने यहाँ पर ब्यूटी ग्लैजेट का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, बहुत ही ट्रेंडी पैलेट है ये आजकल चल रहा है। तो मैंने ग्रे कलर यूज़ किया है अपनी लिड पर और मैंने एक हल्का सा यू नो वुडी ब्राउन एंड सिल्वर मैंने ग्लिटर यूज़ किया है अपनी लिड पर। वुडी ब्राउन जो है मैंने नेचुरल ट्रांजिशन शेड यूज़ किया है। ओके, तो मैंने यहाँ पर वाटर लाइन पे स्विस ब्यूटी का काजल लगा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग काजल है, वाटर प्रूफ काजल है, इसका मैंने रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया है। ब्लू हेवन का मैंने लाइनर लिया है, मैंने ज़्यादा बोल्ड लाइनर नहीं लगाऊंगी, एक नॉर्मल सा विंग लाइन ड्रॉ करूंगी अपने लैश लाइन के क्लोज करते हुए। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मेबलिन का क्लासिकल मस्कारा, ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है। इसका एक जो हाइपर कल वाला मस्कारा वो भी बहुत अमेजिंग है। ऑफ कैमरा मैंने अपने आई लैशेज को लगा लिया था। यहाँ पर मैं फाउंडेशन के लिए स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ कर रही इन दिस शेड गाइज नंबर 04। या बहुत ही अमेजिंग कलर है ये, बहुत ही अमेजिंग इसका पिगमेंट है। और यहाँ पर मैंने ये ब्रश यूज़ किया है, ये ब्रश जो है बहुत ही अमेजिंग ब्रश है फॉर फाउंडेशन के लिए। और इससे बहुत अच्छे फेस पे, मतलब अगर मैं बात करूँ इस ब्रश की, तो बहुत ही अमेजिंग ये वर्क किया मेरे फेस पे, मतलब फुल कवरेज वाला फाउंडेशन तो था ही था, साथ में ब्रश ने कमाल कर दिया। आप देख सकते हो कितना अच्छा मेरा स्मूथ फेस लग रहा है। शुगर का मैंने यहाँ पर ब्रॉन्जर यूज़ किया है इन द शेड 04 और मैं थोड़ा सा कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग दोनों इसी से करूँगी। देन उसके बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सेट करूँगी जहाँ पर मुझे क्रीजिंग की प्रॉब्लम होती है, जहाँ मुझे ऑयली और स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो मैंने फेसेस कैनेडा का यहाँ पर मैंने कम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, दिस इज़ अ वाटर प्रूफ कम्पैक्ट पाउडर गाइज, बहुत ही अमेजिंग है। नेक को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कभी भी अगर आप रेडी हो रहे हो और डीप गला पहने हैं आप, तो नेक एंड फेस दोनों सेम कलर के ही होने चाहिए आपके। लिप्स को बहुत ही सुंदर और एकदम परफेक्ट शेड दिखाने के लिए मैंने यहाँ आके स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया है, अपने लाइन को ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैंने पर्पल की लिपस्टिक यूज़ की है इन दिस शेड 15, माई फर्स्ट पेप टॉक नाम है इसका। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही अमेजिंग कलर है गाइज, बहुत सुंदर कलर लगा मुझे लगाने, मेरे पूरे लुक, मुझे ऐसा लगा मेरे पूरे लुक का इसने जान दे दिया, मतलब बहुत अच्छा लगा। फेसेस कनाडा का सेटिंग स्प्रे से मैंने अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग किया है, क्योंकि स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है अगर आप दिवाली मेकअप कर रहे हैं, थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। एंड नाउ दिस इज़ माई फाइनल लुक, आई होप यू लुक आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। मेरे इस आउटफिट के साथ, इस साड़ी के साथ ये ज्वेलरी कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। ओके, सो मिलते हैं अपने ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टिल देन टेक केयर।